कैसे सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली जो है केमिस्ट्री की कॉन्कर सीरीज समाप्त हुई थी, खत्म हुई थी। उसके बाद में हमारा स्केड्यूल कुछ पहले का था, बट बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे। ऐसा नहीं कि मैं एक दो कमेंट्स पढ़ के जो है तुमको बोल दिया कि नहीं हम आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे, उस कमेंट्स पर जो है वो बहुत सारे लोगों का अप्रूवल भी था कि हाँ भैया हम थोड़ा सा गैप लेके चलते हैं। अब केमिस्ट्री तो हमने एक साथ कर दिया था, मैंने कहा एक काम करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा गैप रखते हैं। बट उसके बाद मैंने एक और चीज़ नोटिस की, वो टॉपिक किसी और वीडियो का है, वो उसमें किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैंने जो चीज़ें नोटिस की उसके बाद मुझे लगा यार कि नहीं कहीं ना कहीं यार ठीक है वो अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक, सो आज हम अगेन हमारी फिजिक्स की जो कॉन्कर सीरीज है वो रिज्यूम कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे आसान सा चैप्टर है ये। ठीक, इस चैप्टर के अंदर से ह्यूमन आई का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है ना, तो बचता है कलरफुल वर्ल्ड। और कलरफुल वर्ल्ड में लिटरली कुछ नहीं है पढ़ने लायक। ठीक है, बेसिक जनरल नॉलेज है, रेनबो कैसे बना, ये कैसे बना, आसान चीज़ है। ठीक, तो इजी है, फटाफट निपटा देंगे, आसान चैप्टर कर लेंगे और फिर क्वेश्चन वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम। अच्छा, इसी के साथ साथ तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली बेस्ट हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स की जो लिंक है वो देखने को मिलेगी। ये नोट्स तुम्हारे आईपैड पर बनाए गए हैं स्पेशली। ये नोट्स के साथ में तुमको इंटीग्रेटेड PYQs देखने को मिलेंगे, यानी कि पिछले 10 साल के क्वेश्चंस तुमको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 marker, 2 marker, 3 marker, 5 marker और assertion reasoning की प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं भाई, समझ रहे हो ना। ग्रेट, इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि एट द एंड वही एक एप्रिसिएशन का मार्क होता है, वही एक छोटी सी चीज़ होती है जो कि मुझे और मोटिवेशन देती है कि तुम सपोर्ट करते हो चैनल को। और देखो, और किसी वीडियो में बात करेंगे, मुझे बहुत सारी इसको लेकर बात करनी है, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार अगर तुम्हें एफर्ट्स पसंद आते हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि तुमको जब भी कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि मोटिवेटेड रखती हैं और एक तुम्हारा प्यार दिखता है कि यार नहीं तबाही फैम आज वेट कर रही है वीडियो के लिए तो बस सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, लाल बटन है बस उसको क्लिक तो करना, और क्या करना है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फ्री इंटीग्रेटेड क्विज भी देखने को मिलेगी। बेसिकली वो जो क्विज है वो क्विज जाकर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और वो क्विज का जो स्कोर है वही के वही तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तुम वो स्कोर मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो या फिर कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, नो इश्यूज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं। अच्छा, व्हाट डू वी हैव टू स्टडी, भाई साहब पढ़ना क्या क्या है ये चैप्टर में, इतना सब कुछ रिड्यूस कर दिया है तो भैया पढ़ना क्या क्या है। मैं कहता हूँ देखो क्या पढ़ना है हमको, हमको यार सबसे पहले पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमको डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। थर्ड टॉपिक जो है हमारा दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और फोर्थ टॉपिक जो है दैट इज सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो सुना होगा ना तुमने कि सूरज उगता है तो लाल क्यों दिखता है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। ये सारे टॉपिक्स हैं तुम्हारे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, तो सबसे पहला टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट यह हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। अच्छा, बात करते हैं क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें। लाइट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। जब एक, ये देखो यहां पर व्हाइट लाइट की बीम आ रही है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट की बीम आ रही है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, छोटा छोटा होगा तुमको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये व्हाइट लाइट की एक बीम आ रही है। ठीक है, व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू कलर कंपोनेंट्स, डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स, यानी कि जो व्हाइट लाइट आ रही होती है ना वो अलग अलग कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि हम नहीं करते, एक चॉकलेट लेके आते हैं, ठीक है, और अगर हमारे भाई बहन है तो हमको अनफॉर्चुनेटली उनके साथ में चॉकलेट शेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस चॉकलेट को हम स्प्लिट करते हैं। सिमिलरली जब व्हाइट लाइट आती है तो जैसे ही वो प्रिज्म के थ्रू पास हो रही है इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब बेसिकली द व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू सेवन, इट स्प्लिट्स इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स। ओके, और दैट सेवन कलर इज विबग्योर। ये क्या इंग्लिश बोली मैंने, दैट सेवन कलर इज, रहने देते हैं, विबग्योर। ओके, दैट इज बेसिकली विबग्योर। दो सेवन कलर्स, वो जो सात तो कलर्स हैं वो होते हैं विबग्योर। अब विबग्योर का क्या मतलब होता है, विबग्योर मतलब वी से होता है वायलेट, यहां पर लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं, V से होता है वायलेट,
ठीक है, आई से होता है इंडिगो, ठीक, बी से होता है ब्लू, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज और आर से होता है रेड। सो बेसिकली ये जो तू प्रिज्म देख सकते हो नीचे, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट आई, ये सात कलर्स में स्प्लिट हो गए जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है कि नहीं, ग्रेट। अब ये जो सातों कलर्स है, ये सातों कलर्स का अरेंजमेंट कैसे है, सबसे नीचे है वायलेट, ठीक है, सबसे नीचे है वायलेट। बेसिकली यार ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, एक सेकेंड, ये मैंने वेबग्योर स्पेल करके बताया। एक्चुअल में प्रिज्म में वेबग्योर नीचे से ऊपर लिखा जाता है कुछ ऐसे, वी आई बी जी वाई ओ आर, दिस इज वेबग्योर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वायलेट कलर होता है यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर एंड मिनिमम इज ऑफ वायलेट। जो हमारा वायलेट कलर होता है ना, वो सबसे ज्यादा बेंड होता है ना, व्हाइट लाइट थी वो स्प्लिट हुई सातों कलर्स में। अब जो वायलेट है, ठीक है, वी आई ओ एल ई टी, जो वायलेट है, ठीक है, इट बेंड्स द मोस्ट, इट बेंड्स द मोस्ट, जिसके कारण तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा बेंड हुआ है यहाँ पर। ये देखो ये कितना ज्यादा बेंड हुआ है, एक्चुअली लाइट को जाना था सीधे ऐसे कुछ, लाइट को कुछ ऐसे सीधे जाना था, बट वो बेंड कितनी हो गई देखो, मैं ब्लैक्स तुमको बताता हूँ। ये देखो इतनी बेंड हो गई वायलेट के केस में, है ना। तो वायलेट कलर जो है वो बेंड हुआ सबसे ज्यादा, ठीक, इसलिए सबसे नीचे वी को लिखा जाता है वायलेट को, फिर उससे कम इंडिगो, फिर उससे कम ब्लू, फिर उससे कम ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। रेड जो होता है इट बेंड्स द लीस्ट, सबसे कम जो कलर बेंड होता है वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। अब भैया हमको याद कैसे रखना है, तुमको बस दो चीजें याद रखनी है, मैं तुमको बताता हूँ क्या याद रखनी है तुमको। देखो सबसे पहली चीज तुमको ये याद रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक नंबर में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर, जो लाल कलर होता है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि सबसे कम कौन सा कलर बेंड होता है, तो तुम बोलोगे रेड कलर। तो ये दोनों रिलेशन हमको ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें फिर फ्रीक्वेंसी का भी एक रिलेशन आता है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। वो इतना हमको डिटेल में टेंथ में नहीं पढ़ना होता, वो ट्वेल्थ में आता है, बट ठीक है अभी हम इसकी बात करेंगे, ओके। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड कलर की, है कि नहीं। तो जो लाल कलर होता है वो सबसे ज्यादा सबसे कम बेंड होता है, ओके। वायलेट कलर जो होता है, वायलेट कलर जो होता है, आई होप कि ये विजिबल है, वायलेट कलर जो होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बेंड होता है, ये देखो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बेंड होता है। अगर एक रेफरेंस के लिए ये रे लाइट को यहां से पास करा दिया गया है रेफरेंस के लिए, कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये कैसे जा रही होती, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जा रही होती, है ना। लेकिन चूंकि अब ये प्रिज्म है तो ये सात कलर्स में स्प्लिट हो गई है, सबसे ज्यादा बेंड हुआ रेड कलर, सबसे कम सबसे ज्यादा बेंड हुआ वायलेट कलर, सबसे कम बेंड हुआ रेड कलर, वाई बारी, ग्रेट। तो कुछ इस तरीके से ये प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया है। दो चीजें तुमको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कि वेबग्योर हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक, दिस इज वेबग्योर, नीचे से ऊपर, दिस इज वेबग्योर, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं। सोचो अगर तुम वेबग्योर ऊपर से नीचे लिख दोगे, इसका मतलब वायलेट सबसे ऊपर है, राइट, और वायलेट सबसे ऊपर है इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ वायलेट की है, यानी कि सबसे कम वायलेट बेंड हुआ है, जो कि गलत है, वायलेट तो सबसे ज्यादा बेंड हुआ है, ठीक, ग्रेट। तो वेबग्योर को हमेशा ऐसे लिखना, ध्यान रखना, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन के डबल प्रिज्म इफेक्ट की, कि न्यूटन का डबल प्रिज्म इफेक्ट क्या था। हमने यार क्या क्या चीजें नोटिस की अभी, हम सबसे पहले देख के आए कि जब एक प्रिज्म रखा हुआ था यहाँ पर, है ना, जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो सात अलग अलग कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो गई थी, है ना, डिस्पर्स हो गई थी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, राइट, हमने पढ़ा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक व्हाइट लाइट आई, वो प्रिज्म में आते ही इट स्प्लिट्स इनटू इट्स सेवन कंपोनेंट, सेवन डिफरेंट कलर्स, है कि नहीं, ग्रेट। अब बेसिकली सीन ऐसा है कि ये क्या था, दिस वाज वेबग्योर, ओके, वी आई बी जी वाई ओ आर, दिस वाज वेबग्योर, ओके, ग्रेट। सबसे ज्यादा कौन सा बेंड हुआ, वायलेट, सबसे कम बेंड हुआ रेड। अब बेसिकली न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट क्या कहता है, यही सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है। और एक तरीके से तुम इसको कैसे याद रख सकते हो, लालच से, ठीक है, लालच से याद रख सकते हो। खैर ये इफेक्ट जो है और ये जो एक्सपेरिमेंट है, कमाल का एक्सपेरिमेंट है, बट इसको याद रखने के लिए तुम लालच से याद रख सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक है,
अब एक प्रिज्म है, हम इतना समझ के आ चुके हैं कि अगर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है तो क्या होगा, इट विल स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है, इट विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर्स, है ना, 7 कलर्स हमने अभी देखे, वेवगाइड, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक, ग्रेट। तो ऐसे यहां पर हुआ, यहां तक तो हम देख सकते हैं कि ऐसे ही हो रहा है, राइट, ग्रेट। अब इसके बाद में यार, इसके बाद में एक चीज नोटिस करो कि एक और प्रिज्म रखा हुआ है उल्टा, एक और प्रिज्म रखा हुआ है उल्टा, ठीक, ये जो प्रिज्म रखा है ये उल्टा रखा हुआ है, यानी कि अगर एक प्रिज्म सीधा है तो दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है। अच्छा, इससे हुआ क्या, देखो जरा, जैसे ही ये सातों कलर्स यहां पर क्या हुआ, व्हाइट लाइट आई, आई 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 आई, सातों कलर्स में स्प्लिट हो गई, है ना, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। अब जब ये सातों कलर्स, जो है, देखो यहां पर ध्यान से, जैसे ही ये दूसरे प्रिज्म में एंटर किए, ठीक है, जैसे ही ये दूसरे प्रिज्म में एंटर किए, इन्हें एकता, मतलब इन्हें एकता की जो पावर होती है वो पता चल गई, ठीक, इन्हें पता चल गया कि अकेले रहने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अकेले रहने में कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ कि सारे जो कलर्स थे वो साथ आते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, है ना, सारे जो कलर्स यहाँ पर साथ में आ रहे हैं, ये देखो, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ठीक है, ब्लैक से आसान पड़ेगा, एक से, हाँ, ये सारे कलर्स यहाँ पर साथ आए, है ना, ये देखो यहाँ से साथ आ रहे हैं, ठीक है, और साथ आके अगेन क्या बन गया, रे ऑफ लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट अंदर आई थी, बाहर निकली है व्हाइट लाइट, क्यों, क्योंकि इन सब कलर्स को एकता की इंपॉर्टेंस पता चल गई, और हमें यह पता चल गया कि ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा होता कि प्रिज्म को उल्टा रख दिया तो 14 कलर्स निकलते, एक और रख देते तो 28 कलर्स निकलते, ठीक, ऐसा नहीं है, है ना, 7 कलर्स थे, ओके, पहले तो क्या हुआ, प्रिज्म रखा हुआ था, व्हाइट लाइट आई, 7 अलग अलग कलर्स दिखे हमको, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स दिखे। अब एक प्रिज्म को रख दिया गया उल्टा, ठीक, एक प्रिज्म को रख दिया गया उल्टा, ये रहा उल्टा प्रिज्म, जैसे ही ये 7 कलर्स उसमें एंटर किए, इन्हें पता चला कि एकता में ही ताकत होती है, ठीक है, इन्हें पता चला कि एकता में ही ताकत होती है, अलग अलग रहने से कोई मतलब नहीं है, तो वी आई बी जी वाई ओ आर, विवग्योर ने साथ में सोचा कि नहीं, अब हम एक हो जाएंगे, ठीक, और एकता समझ रहे हो ना, तुम वाइब समझ रहे हो, ठीक है, तो सारे कलर्स एकजुट होके, और यहां पर कैसे पता चला, यहां पर जो स्क्रीन थी वहां पर व्हाइट स्पॉट ऑब्टेन हुआ, व्हाइट स्पॉट ऑब्टेन हुआ, ओके, तो ये होता है न्यूटन का डबल प्रिज्म इफेक्ट, कुछ नहीं है, एक प्रिज्म सीधा, एक प्रिज्म उल्टा, एक प्रिज्म से जब लाइट पास हुई, बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास हुई, तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, अब वो जब सातों कलर दूसरे प्रिज्म से पास हुए जो कि उल्टा रखा हुआ था, वो सारे के सारे कलर्स को एकता की पावर पता चली, और वो सब लोग जो मिलके है कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गए, ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, इतनी बात हमने कर ली है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है, ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन की बात कर रखी है, हमको सबको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, अगर मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ, मिरर में खुद को देख रहा हूँ, तो मैं मेरा रिफ्लेक्शन को देखता हूँ, ठीक है, अगर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ठीक, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इतना हमने पढ़ रखा है, लाइट में सब कुछ है। अच्छा, अब बेसिकली सीन ऐसा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या चीज होती है, एक सेकेंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या चीज होती है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, लेकिन ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। बेसिकली यार, अगर तुम्हें ये नहीं नोटिस में आ रहा तो मैं तुमको ड्रॉ करके बताऊंगा। मान लो यहाँ से अपनी लाइट आ रही है, ठीक है, अपनी यहाँ से लाइट आ रही है, ओके, अब ये क्या है यार, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ओके, ये है हमारा मीडियम वन और ये है मीडियम टू, जिसको यहाँ पर N1 N2 से डिनोट कर दिया गया, ठीक, इतना हमको पता चल गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सीन ऐसा है कि ये हमारी नॉर्मल है, इसको ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, ये हमारी क्या है, नॉर्मल है, ये हमारी नॉर्मल है, ठीक, अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई 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 इस मीडियम से इस मीडियम में चली गई, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, है ना, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हो रहा है यहां पर, ये हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहां पर चल रहा है रिफ्रैक्शन, ठीक, दिस इज रिफ्रैक्शन, वाइब समझ रहे हो ना, ग्रेट। ये क्या था यहां पर, रे ऑफ लाइट आई 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 आई, जैसे ही ये आई एक मीडियम से, जब ये दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक, तो ये रिफ्रैक्शन हुआ। अच्छा, अब क्या किया यहां पर, अब हमने क्या किया, इंसिडेंट एंगल बढ़ते जा रहा है, देखो क्या हो रहा है, इंसिडेंट एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक,
ओके, अब बेसिकली इसको इग्नोर करो, अभी इस चीज को भी इग्नोर करो, है ना। मान लो कि अब मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, यहाँ पर थीटा वन है, मैंने थीटा टू कर दिया, ठीक, मैंने थीटा टू कर दिया, यानी कि अब इंसिडेंट एंगल को मैंने बढ़ा दिया। जब मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहा हूं तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये वाला, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई ना, रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल है तुम्हारी, नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये थीटा वन पे, थीटा वन, एंड दिस इज लेट अस से कि ए वन या फिर आर वन बोल देता हूँ इसको, ओके। अब क्या किया मैंने, अब मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, इसको थीटा टू कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया, ठीक है, इसको थीटा टू कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। अब थीटा टू थीटा वन से बढ़ा है तो क्या होगा, ऑफकोर्स ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये भी दूर भागेगी नॉर्मल से, तो जो आर टू है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, इन केस ये वाला जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम और ये वाला जो मीडियम है वो है रेयरर मीडियम, ठीक, क्योंकि उसमें ऐसा होता है जब हम डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो जो रे ऑफ लाइट होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक, इतना हमको पता है, ओके। जब डेंसर से रेयरर में जाएंगे तब ये सीन हो रहा होगा, ओके, ग्रेट। अच्छा, सो सीन ऐसा था कि हमने देखा कि जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अच्छा, अब समझो जरा, ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा जब क्या होने वाला है, जब ऐसा होगा यार कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूर आएगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, आया ना, सोचो जरा। पहले ऐसा था, है ना, पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी मान लो, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, मान लो ये ऐसा है ना, बढ़ता गया, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसको मानो ये नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, बढ़ता गया, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ता गया और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया और बढ़ाया जा रहा है, बढ़ता गया। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा ना जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, है कि नहीं। पहले भाई साहब ऐसा था, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट अस से थीटा वन, ठीक है, कोई भी ऐसा है, ये नॉर्मल है, ठीक, ओके। अच्छा, बढ़ाते गए एंगल ऑफ इंसिडेंस, बढ़ाते गए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बढ़ रहा है। एक पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाएगा नॉर्मल के साथ में, वो ये वाला पॉइंट है, ये देखो, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि है 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा इंसिडेंस एंगल, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है, ठीक है, मैं लिख के भी तुमको बता रहा हूं ताकि चीज अच्छे से याद आए, तो कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे यार। ऐसा एंगल ऑफ, ठीक है, एक सेकेंड, इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री निकल कर आता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। कहानी यहां पर अभी खत्म नहीं होती है, अभी और कहानी बची है। सबसे पहले अगेन रिकॉल कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं इन केस की जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, तो जो रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से दूर भागेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ाया बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस एंगल के लिए, जिस इंसिडेंट एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक। इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री निकल कर आता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसको मैं लिख देता हूं यहां पर कहीं तो भी, हाँ, यहां पर ऊपर लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल, ओके। अच्छा, यहां तक बात हमने कर ली। अब क्या सिर्फ यहीं तक रुकेगा? अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से भी एक बड़ा एंगल ले लिया, ठीक है, अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से भी एक बड़ा एंगल ले लिया तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से बड़ा नहीं आ सकता? सोचो जरा, मान लो कोई एंगल है थीटा वन, है ना,
जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री आ रहा है। मान लो कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा 2, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री आ रहा है ना। फिर आता है हमारा क्रिटिकल एंगल, थीटा सी से डिनोट कर रहा हूँ, जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया था 90 डिग्री। अब हो सकता है थीटा सी से बड़ा कोई एंगल हो, मान लो थीटा 3 है, जो क्या हो 90 डिग्री, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं, तो वो ये है। देखो जरा यहाँ पर यार एक चीज़ नोटिस करो, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, अभी हर एक चीज़ तुमको समझाऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ओके दैट इज 90 डिग्री, बिल्कुल सरफेस पे चल रहा है, रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सरफेस पे है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब सोचो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा ले लिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अब जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब तो भाई साहब ये 90 डिग्री होता है, देखो यहाँ तक 90 डिग्री होता है, मान लिया है ना, मान लिया, लेकिन ये क्या है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये क्या है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इस केस में तुम देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी बड़ा आया, ठीक है। 90 डिग्री पे रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सरफेस पर चल रही है, यानी कि इसको भी हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं, बट उसके बाद में क्या हुआ, जब 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा तो क्या होगा, वो तो उसी वाले मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। ये सरफेस था, जब 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा था तब वो सरफेस पे थी रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ऐसा हो जाएगा। अब सोचो ये तो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रहा। अब अगर तुमको नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये रहा तुम्हारा इंसिडेंट रे है ना, और ये रही तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, सब हटा दो यहाँ से, ठीक, सब हटा दो, ओके, ये रही तुम्हारी इंसिडेंट रे, ओके, ये जो एंगल है ये कैसा एंगल है, ये एंगल है क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी ज़्यादा आया है ना, ये देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तभी तो ये ऐसा कैसा है, ऑप्टिक्स एंगल बन गया ना, है ना, तो ये रे ऑफ लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट करके, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाइब समझ लो, थोड़ी सी गंदी अंडरराइटिंग थी पर ठीक है, रिकॉल कर लेते एक बार वापस से, क्या पढ़ा हमने, कुछ नहीं पढ़ा था यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये देखो अभी इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक चीज़ हमने समझ ली कि भाई साहब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इनकेस रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, ठीक, ग्रेट। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, रिफ्रैक्शन को नहीं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक, जिस एंगल पे या फिर जिस इंसिडेंट एंगल पे या फिर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आए, दैट इज क्रिटिकल एंगल। अब अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि उस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, ग्रेट। दो कंडीशंस हैं TIR होने की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की, देखो जरा। सबसे पहली तो है द रे ऑफ लाइट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पॉइंट वन बात कर ली अभी हमने, ठीक है। जब तक वो डेंसर से रेयर में ट्रैवल नहीं करेगा, तब तक तुम सोचो कि रे ऑफ लाइट दूर कैसे भागेगी, अगर वो रेयर से डेंसर में करेगा तो रे ऑफ लाइट तो पास आती रहेगी, है कि नहीं, ग्रेट। दूसरा एंगल है, दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देख लो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अभी बात की थी हमने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा,
तब जाके ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, ग्रेट, तो ये हो गया हमारा TIR खत्म। ओके, तो हमने इतनी बातें तो अभी कर ली है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिज्म की बातें कर ली, डिस्पर्शन की बातें कर ली। अब हम बात करने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन की, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, हम जो बोलते हैं ना कि भैया नहीं बोलते, ओहो बारिश हो रही है, साथ ही साथ में धूप भी निकली है तो रेनबो निकलेगा। लेकिन वो रेनबो कैसे निकलता है, क्या होता है उसमें, बचपन में हमने सुना था ना। ओह, हम तो बड़े साइंटिस्ट बन गए थे उस समय, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिकली होता क्या उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली यार, ये जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें मैं तुमको सबसे पहले बताऊं तो कुछ एक नहीं दो नहीं बहुत सारे फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। देखो कैसे फिनोमेना इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन, यानी कि जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। उसमें होता है रिफ्रैक्शन, उसमें होता है डिस्पर्शन, उसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसमें फिर से होता है रिफ्रैक्शन। ठीक, सो बेसिकली जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो ये कुछ चीजें हो रही होती हैं। कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर रिफ्रैक्शन होता है। बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप है, पहले ये चीज होती है, फिर ये होता है, और फिर ये होता है। ओके, अब चलते हैं वापस से देखते हैं। देखो यहां पर आ जाओ। अच्छा, तो क्या था, पानी की बूंद जो है वो आई, ये रही पानी की बूंद। ठीक है, दिस इज रेन ड्रॉप, दिस इज रेन ड्रॉप। ओके, अच्छा, ये रही व्हाइट सनलाइट, ये आ रही यहां से व्हाइट सनलाइट। अच्छा, अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन, नहीं यहां पर हो रहा है डिस्पर्शन, यहां पर हो रहा है डिस्पर्शन। हमने पढ़ा था ना, जब व्हाइट लाइट सात अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि ये जो व्हाइट सनलाइट है, ये सात अलग अलग कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो रही है। ठीक है, ये सात अलग अलग कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है। अच्छा, है कि नहीं, ग्रेट। अभी हमने भैया डिस्पर्शन के साथ रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था, आया ना, देखो जरा, रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन दोनों पढ़ा था। तो देखो जरा, अपस चलते हैं एक सेकेंड। ये क्या है, ये दूसरा मीडियम है ना, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, आया ना। एट द एंड रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से पानी में जा रही है, रेन ड्रॉप क्या है, एट द एंड, राइट, दूसरे मीडियम में जा रही है कि नहीं, दूसरे मीडियम में जा रही है। तो रे ऑफ लाइट के साथ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, नहीं होगा, हमने पढ़ा था ना, बट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है कि नहीं, ग्रेट। तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्शन भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ। कारण हमको पता है, ये मीडियम अलग है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो है वह बेंड हो जाती है ना। ठीक, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है एट द एंड। ठीक, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, डिस्पर्शन भी हो गया, और लिख देते हैं यहाँ पर डिस्पर्शन प्लस रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखो जरा, ये जो सातों कलर्स तुम देख रहे हो है ना, यहाँ से आए 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 और यहाँ पर आकर टकरा गए इस वाले पॉइंट पे, है कि नहीं, ये वाले पॉइंट पे आकर टकरा गए सारे के सारे कलर्स, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर एक चीज़ नोटिस करते हो तो सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, सब बाउंस बैक कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे जो कलर्स हैं, दे आर बाउंसिंग बैक। देखो जरा, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है। तो इसमें क्या है, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, जब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने की जगह इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले रे ऑफ लाइट आई थी, डिस्पर्शन हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये सारे के सारे कलर्स बाहर निकलने की जगह क्या हुआ, अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट कर गए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जरा, ये वाले पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, तुमको तीन पॉइंट देखना है, एक जिस पे व्हाइट सनलाइट अंदर एंटर की, और एंटर करते से इट स्प्लिट्स इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जहां पर ये सातों के सातों कलर जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, जहां पर ये सातों के सातों कलर्स इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गए, है ना, ये वाला। और तीसरा पॉइंट तुमको ये देखना है कि ये जो कलर्स थे, ये जब बाहर निकले तो कैसे निकले। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स पर ध्यान देना, 1, 2 और 3। अच्छा, यहां पर देखो वापस से, सारे के सारे कलर्स इस वाले मीडियम से इस वाले मीडियम पर जा रहे हैं, हाँ या ना, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। कुछ और दिख रहा है तुमको यहां पर, कुछ और दिख रहा है दिमाग लगाने लायक, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन।
यहां पर हो जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक, तो वापस एक बार अगर देखें, सब हटा के एक बार वापस देखें, तो सबसे पहले क्या होता है यहां पर, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्शन। ठीक, स्लिट, सात अलग अलग कलर से स्लिट हो गई, प्लस ऑफकोर्स रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ग्रेट, क्यों, क्योंकि यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकलने की जगह अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई है। दिस इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर जो एंगल बना होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक, ग्रेट। तीसरा पॉइंट ये, यहां पर क्या हुआ, यहां पर सब बाहर निकल गया, तो यहां पर होता है रिफ्रैक्शन। ओके, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा रेनबो फॉर्मेशन, आसान है। ठीक, ग्रेट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं, इसकी बात भी हमने कर ली है, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। हमको पता है ना स्कैटरिंग क्या होती है, मैंने ये एग्जांपल हजारों बार दे रखा है, मुझे ये फेवरेट एग्जांपल लगता है, आज मैं वापस से एग्जांपल तुमको दूंगा, ये बालों को क्या हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, हमने एक चीज देखी है ना कि अगर तुम कलर लेते हो, ठीक है, अगर तुम्हारी मिट्टी में तुमने पूरा कलर भर लिया है, ओके, और अगर तुम किसी व्यक्ति पर फेंकते हो होली के टाइम पे, तो क्या होता है, वो कलर जैसे उसको लगता है, ठीक है, इट स्कैटर्स, हर दिशा में वो फैल जाता है। हमने मूवीज में भी देख रखा है, कुछ वीडियोस में भी देख रखा है, जो होली गोली के वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, कि हाथ में कलर है और फेंका, तो क्या होता है कि सामने वाले पे जब वो कलर जाता है, या फिर जब वो कलर उसको जैसे हिट करता है, वो स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। अभी हम वैसी बात करने वाले हैं इन केस ऑफ लाइट, कि लाइट के केस में स्कैटरिंग कैसी हो रही होती है। ठीक, देखते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन इंटरैक्टिंग विद पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। ठीक, बेसिकली होता यह है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है, जो बीम ऑफ लाइट होती है, इट इज रीडायरेक्टेड, यानी कि वो अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाती है। व्हाई? बिकॉज इट हिट्स डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, वेयर, प्रेजेंट इन द मीडियम। एक मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक, अब होता क्या है ना कि उस मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे वो उन पार्टिकल से टकराती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाती है। अब हमको एक चीज पता है यार, कि व्हाइट लाइट बेसिकली अकेली नहीं है ना, इट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, जो कि हमको पता है विबग्योर, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, हमको पता है विबग्योर, राइट, ये रहा वो, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर साफ साफ ये दे भी रखा है, ये रेड है तुम्हारा, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन। अगेन बेसिकली देखो, विबग्योर यार, VIBGYOR, बहुत ही डिटेल्ड कलर स्पेक्ट्रम है। अगर तुम इन जनरल देखते हो तो तुमको स्काई में ब्लू कलर दिख रहा होता है सिर्फ, है ना, सनसेट सनराइज के टाइम पे रेड सन दिख रहा होता है, बट एक्चुअली विबग्योर जो होता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट 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 डिटेल के केस में होता है, है ना। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो कलर्स आ रहे हैं, ये जो कलर्स हम देख सकते हैं, इसमें यार जो हमारा विबग्योर होता है, ऑफकोर्स नीचे से ऊपर, तो VIBGYONR, ये जो तीन कलर्स है, वायलेट इंडिगो ब्लू, तुम यहाँ पर देख सकते हो, है ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे हैं, देखो अलग अलग डायरेक्शंस में ये स्कैटर हो रहे हैं, ये देखो अलग अलग डायरेक्शंस में ये भी स्कैटर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है वो कम है। इनकी वेवलेंथ कैसे है? इनकी वेवलेंथ जो है वो कम है। अब चूंकि इनकी वेवलेंथ कम है, जैसे ये पार्टिकल से टकराते हैं, हिट होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं, तुम देख सकते हो। ठीक, तुम देख सकते हो कारण, बेसिकली यार वायलेट इंडिगो ब्लू, ठीक है, वेवलेंथ कम है, तो ये तीनों तुमको स्कैटर होते हुए दिख रहे हैं इस इमेज के अंदर, बट हमको दिखता क्या है, ब्लू दिखता है, क्योंकि अगेन यार इतनी दूर इतनी माइन्यूटली नोटिस करना पॉसिबल नहीं होता कि ये वायलेट दिख रहा है कि इंडिगो दिख रहा है कि ब्लू दिख रहा है। अगर तुम दूर से देखोगे तो तुमको वायलेट इंडिगो ब्लू काइंड ऑफ सेम दिखते हैं, अगर बहुत दूर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, ग्रेट, तो यहां पर ऐसे ही हो रहा होता है कि हमारी जो ब्लू लाइट है, इसीलिए हमारा जो स्काई है इट अपीयर्स ब्लू। व्हाई? क्योंकि जो रे ऑफ जो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो आ रही है, ठीक है, अब इट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। ठीक, रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा, तो वो स्कैटर होता नहीं है, बचता है यार ब्लू कलर। ठीक है, बेसिकली दिस इज VIB, वायलेट इंडिगो ब्लू एट द एंड, बट हमको ब्लू दिखता है क्योंकि इतनी दूर से हम चीजें नोटिस नहीं कर सकते। ठीक, अब ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इट्स स्कैटर्स, इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण क्या होता है कि वो स्कैटर जाता है, हर जगह फैल जाता है, है ना, हर जगह फैल जाता है, इट स्कैटर्स। ठीक, उसके कारण वेवलेंथ कम होती है तो वो हर जगह फैल जाता है, इसलिए हमको ब्लू स्काई ब्लू दिखता है, दैट इज इट, खत्म बात। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमको पता चलता है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। अभी हम बात करने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की।
अभी हम बात करने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। हमने बात कर ली कि व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि यार ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि यार जो विबग्योर के अंदर नीचे के कलर्स हैं VIB एट दी एंड उनकी वेवलेंथ कम है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि वो स्कैटर हो जाते हैं जब वो पार्टिकल्स को हिट करते हैं तब मीडियम में। ओके, अभी हम बात करने वाले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है, हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स सॉरी। ठीक, तो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। सीन ऐसा होता है ना कि बहुत दूर है यार जो स्टार है हमसे, बहुत दूर है, ठीक है, मिलो दूर भी नहीं है, वो बहुत दूर है, ठीक, बहुत ज़्यादा दूर है। सीन ऐसा होता है कि जब स्टारलाइट आ रही होती है, ठीक है, जैसे वो एटमॉस्फेयर में घुसती है, यहाँ पर तुम साफ साफ पढ़ सकते हो, द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली, है ना, जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली, बार बार रिफ्रैक्शन चल रहा होता है। ठीक, ओके, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग है कि नहीं, ग्रेट। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. मतलब कि यहाँ पर हम apparent position की भी बात करने वाले हैं। हमने बात कर ली twinkling of stars की, it is due to the atmospheric refraction, है कि नहीं, it is due to the atmospheric refraction, है ना, great। अब इतनी दूर से जब starlight आ रही है तो जैसे जैसे वो enter करती है atmosphere में क्या होता है, continuously क्या चल रहा होता है, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, और ग्रेजुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है। ठीक, उसके कारण स्टार्स ट्विंकल, क्योंकि इतनी दूर है भाई साहब, हम एक्यूरेट डेटा तो बता ही नहीं सकते। ठीक, अब अपेरेंट पोजीशन की बात करते हैं। एक्चुअल में स्टार जहां पर होते हैं वहां पर हमको दिखते नहीं है, उससे ऊपर दिखते हैं। ये अगर तुम फिगर को ध्यान से देखते हो तो ये है बंटी, और ये बंटी जो है वो स्टार को देखना चाहता है। ये रहा स्टार, है ना, ये स्टार यहां पर है, ये स्टार से स्टारलाइट आई जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती है क्या होता है, बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्लेज रोल। ओके, ग्रेट, तो कुछ इस तरीके से लाइट वाइट बेंड हो गई। अब भाई साहब एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चीज़ें वो बंटी के लिए फिजिबल है, ठीक है, तो बंटी तो उसी डायरेक्शन में देखेगा जहां से उसको रे ऑफ लाइट आ रही है ना। मान लो कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, है ना, मान लो कि रे ऑफ लाइट को आना ऐसे चाहिए था लेकिन वो आ ऐसी रही है, ठीक है, आना ऐसे चाहिए था लेकिन वो आ ऐसी रही है, तो हमारे लिए कौन सी सही है, ये वाली, क्योंकि हमको यही पता है ये वाली तो हो सकती थी, ऐसे आ सकती थी लेकिन ऐसे नहीं आई ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, ये रे ऑफ लाइट आई तो हम ऐसे ही देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे इधर साइड, हम ऐसे ही देखेंगे, इसलिए जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार होती है ना वो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होता है उसकी एक्चुअल पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब एक्चुअल पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसकी जो पोजीशन है वो हमको अलग जगह पर दिखती है। जैसे कि स्टार यहाँ पर है, उसकी अपेरेंट पोजीशन ये है, है ना, क्योंकि हमने इसको पीछे एक्सटेंड करके देखा है। ओके, यहाँ पर स्टार है, देख हमको यहाँ पर रहा है, दिस इज अपेरेंट पोजीशन, क्यों, क्योंकि अगेन जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है इट बेंड होती है, रिफ्रैक्शन होता है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, ग्रेट, तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस तो नहीं है बट अब वो अलग जगह पर हमको स्टार दिखता है। बट यार अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हो तो हमको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। क्यों क्यों मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप मना कर रहे हो स्टार्स के बारे में पढ़ने के लिए, नहीं, पर तुम सोचो यार कि जो इतने डिस्टेंसेज जो होते हैं, ठीक है, इतनी दूर से हमको उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, हमको तो पता भी नहीं कि स्पेस में क्या क्या चल रहा है अभी, क्या क्या हो रहा है, बट वो हमसे इतनी दूर है कि शायद हम वहाँ तक पहुँच ना पाए, इतनी दूर है। ठीक, तो ये चीज़ जो हमने डिस्कवर की है, मतलब कमाल की चीज़ है कि स्टार होता कहीं और पर है, दिखता कहीं और है, कमाल है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम, अब हम बात करने वाले हैं व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये बड़ा ही आसान टॉपिक है यार,
ठीक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है। देखो सीन ऐसा होता है ना, ये है दोपहर की बात, ध्यान से मेरी बात को सुनना। दोपहर में सन हमारे ऊपर होता है, सन इज ओवरहेड, ठीक है, सन इज नियरली ओवरहेड, यानी कि हमारे सर के ऊपर होता है। जब सन राइज हो रहा होता है या फिर जब सन सेट हो रहा होता है, यहां पर सनराइज हो रहा है, देखो यहां पर सन क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट भी होता है ना। अब वो डायरेक्शन भैया ईस्ट में वेस्ट में, अभी तुम बस ध्यान दो यहां पर, ठीक, ओके। यहां पर देखो यार, ये जो डिस्टेंस होता है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि जब सन इज नियर होराइजन, जब सन होराइजन के पास होता है, जब सूरज होराइजन के पास होता है, ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस, मान लो यहां पर बंटी खड़ा है, ठीक, बंटी से होराइजन का डिस्टेंस इज मच मोर, यानी कि तुम कह सकते हो कि बंटी से होराइजन का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जब सन ओवरहेड है, यानी कि जब सन सर के ऊपर है, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो ब्लैक वाला डिस्टेंस है ना, ये रेड वाले से कम होता है, ठीक है, ये रेड वाले से कम होता है। लेकिन भैया, और सेम इज द केस विद दिस, है ना, तुम इन दोनों को सेम ही मानो ना, ये दोनों पोजीशन को तुम सेम ही मानो, क्योंकि दोनों केस में सन कहां पर होगा, सन विल बी नियर द होराइजन, ओके, ग्रेट। तो भैया इसका क्या, इससे क्या सेंस, इससे क्या लेना देना कि ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो जाएगा और सन रेड दिखता है। देखो सर, हमने अभी बात की थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की थी कि नहीं की थी, उसमें हमने क्या देखा था कि जो ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर स्कैटर्स अवे, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, और रास्ते में पहुंचते पहुंचते वो स्कैटर हो जाता है, इसलिए पूरा स्काई हमको ब्लू दिखता है ना, क्योंकि वो फैल गया हर जगह। अगर तुम किसी पर्टिकुलर एरिया में होली खेल रहे हो किसी एक कलर से, तो वो फैल जाएगा कलर, दूर से भी दिखेगा कि यार गुलाल से होली खेल रहा है कि नहीं, ग्रेट। तो सिमिलरली होता ही है ना कि जब होराइजन के पास में सन है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तब इतना दूर जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये काफ़ी दूर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काफ़ी दूर है। होता क्या है कि इतनी दूर से जब सारे कलर्स आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ब्लू कलर वहीं पर फैल जाता है, ब्लू कलर वहीं पर स्कैटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तुम देख भी सकते हो, ब्लू स्कैटर्ड अवे, इतनी दूर ब्लू आ नहीं पाता, इतनी दूर तक का डिस्टेंस ब्लू कवर कर नहीं पाता, तो क्या होता है, ब्लू रस्ते में स्कैटर हो जाता है। जीतता कौन है, जीतता है रेड कलर, जीतता है रेड कलर, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा। इसको डीपली तुम बाद में पढ़ोगे, अभी सिर्फ तुमको इतना इंपॉर्टेंस देना है इसमें। सन अपीयर्स रेड, क्यों, क्योंकि इतनी दूर से कौन सा कलर पहुंच पाया, रेड कलर पहुंच पाया, ब्लू तो रस्ते में ही ढेर हो गया, हर जगह फैल गया, बट रेड जो था वो आखिरी तक टिका रहा, इसलिए रेड हमको, हम जब यहाँ पर हैं तो हमको यहाँ पर भी, और अगर सन यहाँ पर है तो भी सन जो है वो रेड दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर जो है वो पहुँच पाया, ब्लू तो रास्ते में स्कैटर हो जाता है, ठीक, एज कम्पेयर टू सन नियरली ओवरहेड। तो भैया दोपहर में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि दोपहर में डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक। तो इसलिए जब सन इज नियरली ओवरहेड, तब हमको सन ऐसा सब, तब तो बिल्कुल देख ही नहीं पाते सन को, ठीक, उस टाइम पे ऐसा केस नहीं होता। जब होराइजन पर होता है तो होता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस होता है, इसके कारण ब्लू पहुंच नहीं पाता है, सिर्फ हमको रेड, मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा रेड दिख रहा है, बिल्कुल रेड, बिल्कुल डार्क रेड दिख रहा है, ऐसा भी नहीं होता, बट कंसिडरिंग द नेचर दैट वी लिव इन, ठीक है, हम उसको रेडिश कलर बोल रहे हैं, ओके, ग्रेट। तो इस तरीके से हमने ये भी बात कर ली कि व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। एक सवाल मैं तुमसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, मुझे इसका कमेंट तुम नीचे करके बताओगे, एक बहुत ही सही टॉपिक है, ठीक, एंड क्यों नहीं करते, थोड़ा सा रिसर्च करना अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो थोड़ा सा, एंड मुझे बताना नीचे कमेंट में कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। ऑलराइट, जब समझ में आए तो ही कमेंट करना, यू नहीं कि इंटरनेट से छाप भैया ये आंसर है मेरा, जब समझ में आए तो अपनी भाषा में लिख के बताना मुझे, ठीक, ग्रेट। इसी के साथ साथ एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स हमने पढ़ ली थी कि भाई साहब द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की भी बात कर ली थी, यार इतनी दूर से जब आ रहा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बेंडिंग हो रही है लाइट की, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, राइट, ठीक है, उसकी बात भी हमने कर ली थी। इसी के साथ साथ ऑल राइट, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। चैप्टर समाप्त हो चुका है, हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई को हटा दो, कलरफुल वर्ल्ड जो है वो पढ़ लिया है, समाप्त कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये पूरी की पूरी जो स्लाइड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस चैप्टर की क्विज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ में आप मुझे आकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक, तो तुम लोग आओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एक अलग प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड रहना जरूरी होता है,
ठीक है, अपना स्कोर मेरे साथ में यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स आते हैं, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो, अगेन ट्विटर पर आकर फॉलो कर सकते हो, और वेबसाइट पर सारा कंटेंट तुम्हें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि बस अच्छा लगता है जब तुम लाइक करते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यार टाइम लगता है सब करने में, ओके, एंड यही तुम्हारा अप्रिसिएशन होता है तुम्हारी साइड से, ओके, ग्रेट। तो बस और कुछ नहीं है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि एट द एंड वही एक एप्रिसिएशन का मार्क होता है, वही एक छोटी सी चीज़ होती है जो कि मुझे यू नो और मोटिवेशन देती है कि तुम यू नो सपोर्ट करते हो चैनल को। और देखो और किसी वीडियो में बात करेंगे, मुझे बहुत सारी इसको लेकर बात करनी है, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार अगर तुम्हें एफर्ट्स पसंद आते हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ताकि तुमको जब भी कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि मोटिवेटेड रखती हैं यू नो, और एक तुम्हारा प्यार दिखता है कि यार नहीं तबाही फैम आज वेट कर रही है वीडियो के लिए यू नो। तो बस सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, लाल बटन है बस उसको क्लिक तो करना, और क्या करना है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।